आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्यूटर सिस्टम के कुछ टॉपिक को कवर किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर को देखा था, उसके बाद वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को कवर किया था, देन आफ्टर कैरेक्टराइटिस को कम्प्लीट किया था और लिमिटेशन को कम्प्लीट किया था। आज हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन को देखेंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज हर एक जगह पे हर एक टाइप के वर्क के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्किंग जो है यही हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। यानी कि हम कंप्यूटर का यूज किस किस तरह से किस किस जगह पे कर सकते हैं, यह वर्किंग हमारा कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है हमारा बिजनेस, यानी कंप्यूटर का यूज हम बिजनेस में कब और कैसे करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग देयर अकाउंट सेल्स फिगर्स प्रोडक्शन डिटेल्स। हम क्या करते हैं, किसी भी हर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत हम उसके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उसके सेल्स के फिगर को मैनेज करते हैं, यानी कि हमारा जो सेल्स कितना सेलिंग है, कितना उसका प्रोडक्शन है, इन सभी का डिटेल हम क्या है कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड है हमारा रिसर्च। रिसर्च में हम क्या करते हैं, यूज बाय द साइंटिस्ट इन वेरियस रिसर्च सेंटर एंड द लेबोरेटरीज। रिसर्च में हम कंप्यूटर का यूज बहुत अलग अलग प्रकार से करते हैं, जो कि साइंटिस्ट द्वारा किया जाता है। बहुत टाइप का रिसर्च होता है जिसके अंदर हम एक मैपिंग कर सकते हैं, या फिर उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर उसका रिजल्ट को कंप्यूटर के थ्रू फास्ट फॉर्म में या फिर करेक्ट एक्यूरेसी फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम। कंप्यूटर के थ्रू हम घर बैठे विदाउट बुक और कॉपी के हेल्प से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, या फिर समझ सकते हैं, या फिर उसको नोट्स, पीडीएफ, बहुत टाइप का चीज़ है जिसका यूज हम एजुकेशन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, लिंक टू ईच अदर। कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से जुड़ना। कम्युनिकेट यानी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब मिलाया जाता है किसी एक मीडियम से, वह क्या कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसका मीडियम क्या होगा, कोई एक डिवाइस होगा, ठीक है। तो डिवाइस के थ्रू हम कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन कनेक्ट कैसे होते हैं, एक आईडी या एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि हमारा ईमेल, ईमेल क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट मेल होता है जिसके थ्रू हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अपना टेक्स्ट मैसेज या फिर पिक्चर या फिर ऑडियो वीडियो अब भेज सकते हैं। पहले ईमेल से सिर्फ हम टेक्स्ट भेजा करते थे। नेक्स्ट है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये ड्यूअल मोड होता है जिसके अंदर हम ऑडियो वीडियो के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने बातों को भी बोल सकते हैं और वीडियो के थ्रू हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस। डिफेंस में भी कंप्यूटर का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि मिशन सिस्टम कंट्रोल, कोई भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। वैसे डेटा जो कि बहुत ही क्लासिफाइड होता है, यानी कि डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जिसको कि आउट होने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इस टाइप के डेटा को हम सेफ और स्टोर करके फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट यूज के लिए रख सकते हैं, ताकि हमारा डेटा कभी लीक ना हो। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर को डायग्नोसिस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें से कुछ है ईसीजी, ठीक है, एक तरह का चेक होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सभी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिसके थ्रू क्या है डॉक्टर क्या है किसी भी डिजीज को पता कर सकता है कि हमारा डिजीज क्या है, उसको सही से डायग्नोसिस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एंटरटेनमेंट में हम कंप्यूटर के थ्रू एनिमेटेड गेम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर बना सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और एनिमेटेड मूवी को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेट फ्लाइट ऑपरेशन फॉर द इम्पैटिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी कि सिमुलेशन एक टाइप का ट्रेनिंग होता है, जो भी एयरफोर्स में होते हैं या फिर जो भी फ्लाइट से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं, उनको रियल परफॉर्मेंस देने के लिए क्या है, इस तरह का सिचुएशन या फिर इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, ताकि वह फ्लाइट के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सके, कि फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ को विदाउट
फ्लाइट को उड़ाए, उस तरह का फीलिंग्स को कंफर्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल यूज। कंप्यूटर का यूज हम पर्सनल यूज में करते हैं, जिसको हम पीसी बोलते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर। यूज फॉर राइटिंग लेटर, जिसमें हम राइटिंग लेटर यानी कि लेटर को लिख सकते हैं, सेंडिंग ईमेल, ईमेल को भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं यानी कि अपने नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इट ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। बैंकिंग क्या है, लगभग पूरी तरह से कंप्यूटर पे ही डिपेंडेंट है, जिसके अंदर हम क्रिएट एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं, ठीक है। और एक कंप्यूटराइज मशीन एटीएम, जिसे कि एटीएम कहा जाता है, एटीएम्स के थ्रू हम क्या है अपने कैश को कहीं से भी निकाल या डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मल्टी मीडिया। मल्टी मीडिया में भी कंप्यूटर का बहुत यूज किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट के लिए, ऑडियो के लिए, इमेज के लिए, एनिमेटेड वीडियो के लिए और इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए। ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम साउंड टेक्नोलॉजी को, साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारे वर्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, किसी भी टाइप के टिकट्स को बुक करने के लिए, किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्ट मीडियम का इंफॉर्मेशन जानने के लिए, जैसे ट्रेन, बस, फ्लाइट एट्सेट्रा, इन सभी के इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कि इसमें सीट अवेलेबल है या किस दिन है या फिर यह अवेलेबल है कि नहीं, हम इससे जा सकते हैं कि नहीं। इसके अंदर एक और बेनिफिट हमें मिलता है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रेन, बस या फ्लाइट एट अ टाइम किस पोजिशन पे है, ठीक है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस एप्लीकेशन क्या क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया है, ये सभी क्या है, ये सभी कंप्यूटर सिस्टम के हमारे वेरियस एप्लीकेशन हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है हमारा हाई स्पीड, सेकेंड है एक्यूरेसी, थर्ड है हमारा लेटेंस, फोर्थ है हमारा हाई स्टोरेज कैपेसिटी, फिफ्थ है हमारा वर्सेटिलिटी एंड लास्ट है हमारा रिडक्शन इन पेपर वर्क। ये पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, आप उससे देख के भी इसको समझ सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लो डायग्राम। कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। ये हमारा फ्लो डायग्राम है, इसमें दो तरह का डायग्राम है। फर्स्ट हमारा ये ऊपर का डायग्राम है, जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है, यानी कि जब भी यूजर अपने सिस्टम में कोई भी इनपुट करता है, यानी कोई भी डाटा को पुट करता है, किसके लिए, फॉर ऑब्टेन आउटपुट, आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो ये वर्क कैसे करता है, आपने इनपुट किया, ये इनपुट सीपीयू के थ्रू हमारे मॉनिटर पे आउटपुट देगा, लेकिन सीपीयू में हमारा वर्क क्या होगा, प्रोसेसिंग का, यानी हमारा सीपीयू क्या काम करेगा, प्रोसेसिंग का वर्क करेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, ये जैसे ही हम इनपुट करते हैं, ये कहा जाता है हमारा स्टोरेज में जाता है, ठीक है, स्टोरेज में, यानी हमारे सीपीयू के हार्ड डिस्क में या रैम में या रोम में, ठीक है। इनपुट हमारा किस टाइप का है, यह चेक कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारा क्या करता है, इनपुट को चेक करता है कि हमारा इनपुट किस टाइप का है। अगर वह इनपुट एलयू है, यानी कि मैथ से रिलेटेड है वो, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसे एलयू के सेक्टर में सेंड करेगा, ठीक है। अगर वो मैथ से रिलेटेड नहीं है तो कंट्रोल यूनिट उस इनपुट को यहाँ पे ही प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट और कंट्रोल यूनिट को ही हम अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा फ्लो डायग्राम है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।